दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण यह है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था श्रद्धा से की जाती है तो उनकी नवो शक्तियाँ जागृत होकर नौ ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। हालांकि यह पाठ संस्कृत में है और इसे करने में काफी समय लगता है। यदि आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे नवरात्रि केवल नवान मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको नवदुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की भी कृपा प्राप्त होगी। माँ दुर्गा की इन नौ शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवान मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इसे सभी देवी मंत्रों का सार तत्व कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है नवान मंत्र, क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण और नवान मंत्र की साधना विधि क्या है। क्या होता है नवान मंत्र? माँ दुर्गा की नौ शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवान मंत्र का जाप किया जाता है। नव का अर्थ नौ तथा रण का अर्थ अक्षर होता है, अतः नवान नौ अक्षरों वाला यह मंत्र है। एहरी क्लीन चामुंडाए विच्चे, नौ अक्षरों वाले इस नवान मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। नवान मंत्र के पहले अक्षर ए का संबंध दुर्गा जी के पहले स्वरूप या शक्ति माँ शैलपुत्री से है, जिनकी प्रथम नवरात्रि को उपासना की जाती है। ए अक्षर सूर्य ग्रह को भी नियंत्रित करता है। दूसरा अक्षर ही है जिसका संबंध दुर्गा जी की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी से है। इनकी पूजा दूसरे नवरात्रि को होती है। ये चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। तृतीय अक्षर क्लीन दुर्गा जी की तृतीय शक्ति माँ चंद्र घंटा से संबंधित है, जिनकी पूजा तीसरे दिन की जाती है। इस बीज मंत्र में मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। चतुर्थ अक्षर चाक से माता दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र में बुध ग्रह को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। पंचम बीज मंत्र मुख से माता दुर्गा की पंचम शक्ति माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र में बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। छठा बीज मंत्र डाक से माता दुर्गा की षष्ठ शक्ति माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। इसमें शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। सप्तम बीज मंत्र यही से माता दुर्गा की सातवीं शक्ति देवी कालरात्रि की उपासना की जाती है। इसमें शनि ग्रह को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। अष्टम बीज मंत्र वी से माता दुर्गा की आठवीं शक्ति अन्नपूर्णा देवी महागौरी की उपासना की जाती है। इस मंत्र में राहु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। नवम बीज मंत्र जैसे माता दुर्गा की नवी शक्ति माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र केतु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। इस नवान मंत्र के तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तथा इसकी तीन देवियां महाकाली महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। माँ दुर्गा की यह नौ शक्तियां धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। इस मंत्र को नवान मंत्र क्यों कहते हैं? सभी मंत्रों के आगे ओम एक दोष मुक्ति के लिए लगाया जाता है, किंतु नवान यानी नव अन यानी अक्षर या शब्द अर्थात नव शब्दों से बना है ये नवान मंत्र। इस मंत्र के हर एक शब्द को गिने तो नव होते हैं, इसलिए इसे नवान मंत्र कहते हैं। नवान मंत्र जाप के लाभ। इस मंत्र साधना से माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके जाप से माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवान मंत्र साधना को पूर्णतः रूप से सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए नवान मंत्र को पूर्ण लगन से सवा लाख मंत्र का जाप करके अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। यह मंत्र सभी बाधा और कष्टों से मुक्ति देता है। धर्म अर्थ कर मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाला उत्तम मंत्र है। ये नवान मंत्र किसी भी प्रकार के ऋणों में से मुक्ति देता है यह मंत्र, और सभी विलंबित कार्यों में सफलता प्रदान करता है। नकारात्मक शक्तियों को मूल से नष्ट कर देता है। नवान मंत्र में नौ ग्रहों को नियंत्रित करने की भी शक्ति है। नवान मंत्र की साधना विधि क्या है? इस मंत्र की साधना में क्रमशः विनियोग, न्यास, ध्यान और उसके बाद मूल मंत्र का आरंभ करना है। कितने मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए? इस मंत्र का मूल अनुष्ठान 500,000 मंत्रों का है। अगर आप चाहें तो इसका प्रथम अनुष्ठान 12,000 मंत्रों का कर सकते हैं, यानी 120 माला का, या फिर प्रतिदिन 9 माला भी कर सभी कार्य सफल कर सकते हैं। नवान मंत्र का जाप 108 दाने की माला पर कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि नवान मंत्र 9 अक्षरों का ही है, परंतु विजयादशमी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र के पहले ओम अक्षर जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र का रूप दुर्गा सप्तशती में दे दिया गया है। लेकिन इस एक अक्षर के जुड़ने से मंत्र के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। वह नवान मंत्र की तरह ही फलदायक होता है। अतः कोई चाहे तो दशाक्षर मंत्र का जाप भी निष्ठा और श्रद्धा से कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, और इसी तरह की अन्य जानकारियां देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।